के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीएम योगी ने लगाया गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार। खराब मौसम के बावजूद दूर दराज से आए फरियादी, सीएम ने सुनी सभी की फरियाद, दिया निस्तारण का आदेश। कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास चौक स्थित एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर हुए खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, मचा अफरा तफरी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के लिए 12 फरवरी तक महाहड़ताल की चेतावनी दे रहे उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी, पुरानी पेंशन बहाली मंच ने हड़ताल किया स्थगित, कहा लड़ाई रहेगी जारी। गुरुवार को यूपी सरकार ने पेश किया बजट, कुछ ने सराहा तो कुछ ने बताया चुनावी बजट। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के खिलाफ सपा ने निकाला पदयात्रा, विधेयक को वापस लेने की मांग। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में भारतीय भाषा अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषाओं पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आर्ट फेस्टिवल का हुआ लोकार्पण, कलाकारों ने दिखाया हुनर, विभिन्न विद्याओं पर आधारित 110 पेंटिंगों को मिली सराहना। गुरुवार से शुरू हुई यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं, 212 केंद्रों पर 151,689 बच्चे होंगे शामिल। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का काम बंद, कलम बंद, हड़ताल रहा जारी, कहा नहीं बनी बात तो जारी रहेगा हड़ताल। और देर रात बदला मौसम, कहीं बारिश कहीं ठंडी हवाएं, किसानों के लिए यह बारिश अमृत की वरदान समान।